क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है y इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो देखिए यहाँ पर भी x वाले टर्म की पावर x हो रही है, तो मैं इसे क्या मान लूँगा, सबसे पहले y इक्वल टू इस वाले टर्म को मैंने y1 मान लिया और इस वाले टर्म को मैंने y2 मान लिया। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन, dy वाई अपॉन डी एक्स वाई वन का, dy वाई अपॉन डी एक्स वाई टू का, dy वाई टू अपॉन डी एक्स। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो पहले मैं y1 को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैंने माना y1 इक्वल टू साइन x की पावर x, जब भी कभी x वाले टर्म की पावर x हो रही है तो हमें दोनों तरफ log लेना होता है, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए हमारा log लग जाएगा y1 से पहले, कितना हो जाएगा ये log y1 इक्वल टू log साइन एक्स की पावर एक्स। तो देखिए जब भी कभी पावर में हो रही होती है तो वो पावर कहाँ आती है, बाहर आ जाती है लॉग में, तो एक्स बाहर आ जाएगा। ये कितना बचेगा लॉग साइन एक्स। देखिए अब ये हमारे दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन बन गई है, एक तो एक्स और एक हमारा क्या है लॉग साइन एक्स। अब मैं दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y1 का डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई वन, वाई वन का कितना हो जाएगा dy1 वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। देखिए सबसे पहले पहला वाला टर्म x ऐसे रहेगा, dy वाई अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा log साइन x का, और यहाँ पर साइन log साइन x ऐसे रह जाएगा, और dy वाई अपॉन डी एक्स किसका जाएगा पहले वाले टर्म का मीन्स x का हो जाएगा। देखिए x तो हमारा ऐसा का ऐसे रहा, ये log साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन में पता है, लेकिन यहाँ पर ये x की क्या है साइन x, तो पहले मैं इसे x की तरह ट्रीट करूँगा, तो log x का कितना हो जाएगा वन अपॉन x, और x की जगह क्या हमारा साइन x, तो वन अपॉन साइन x आ जाएगा। उसके बाद मैं साइन एक्स जिसे मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया है फिर उसका करूँगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स हमारा ऐसा कैसे रहेगा, और एक्स का कितना हो जाएगा वन, तो वन से मल्टीप्लाई जब इसकी होगी तो वो ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी वाई वन अपॉन डी एक्स तुम्हारा ऐसे रह जाएगा, ये वाई वन जो था क्रॉस मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा ऊपर, और यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, y1 की वैल्यू क्या है साइन x की पावर x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन x की पावर x, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x, तो ये हमारा ऐसे रहा cos अपॉन साइन, कितना हो जाएगा ये cot x प्लस log साइन x, ये ऐसा का ऐसे रह जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर। देखिए मुझे जो चाहिए थी डी वाई वन की वैल्यू ये, तो ये मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करनी है डी वाई टू अपॉन डी एक्स फाइंड करना, और वाई टू हम ये वाला ले लेंगे, तो लिखेंगे वाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखिए यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन एक्स वाले टर्म की नहीं हो रही, ना पावर की पावर हो रही है, ये सिंपल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स गिवन है, तो मैं यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए y2 का कितना हो जाएगा dy2 वाई टू अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x का। देखिए हमें जो डिफ्रेंशिएशन पता है वो साइन इनवर्स x का पता होता है, यहाँ पर x नहीं है अंडर रूट x है, तो सबसे पहले मैं इसे x की तरह ट्रीट करूँगा, तो कितना हो जाता है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या हमारा अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा जिसे मैंने एक्स माना था मींस जिसे मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया था, अब उसका हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन अपॉन टू, पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाता एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ जब मैं माइनस करूँगा कितना आ जाएगा वन अपॉन टू, तो ऐसे रहेगा एक्स की पावर माइनस के वन अपॉइंट टू, ये वाला पावर जो नीचे आ जाएगी वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स हो जाएगी, हाफ पावर नीचे आ गई। देखिए यहाँ मैं क्या लिख दूंगा वन अपॉन
यहाँ अंडर रूट एक्स था, इसकी पावर टू हो रही थी, अंडर रूट एक्स की पावर जब टू टू होती है तो अंडर रूट से टू कैंसिल आउट हो जाता, कितना बचेगा इसे, वन माइनस एक्स बचेगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने, टू अंडर रूट एक्स। देखिए ये भी हमारा अंडर रूट वाला टर्म है, ये भी हमारा अंडर रूट वाला टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए वन अपॉन टू हमारा ऐसे रहा, और ये हो जाएगा इस एक्स की मल्टीप्लाई इस वन माइनस एक्स हो जाएगी। तो एक्स की वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वाला हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। हमारा ये दोनों वैल्यू जो थी इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री के, मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट में कितना जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर टू, यही डी वाई अपॉन।